नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी शुक्ला। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार स्मृति ईरानी 3 दिवसीय दौरे पर पहुंची अमेठी। पूर्व प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर आयोजित किसान गोष्ठी में केंद्रीय मंत्री व अमेठी सांसद ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। खबर अमेठी जिले के तिलोई तहसील के विकास खंड सिंहपुर से है, जहां आयोजित पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती के अवसर पर किसान गोष्ठी में पहुंची केंद्रीय मंत्री व अमेठी सांसद स्मृति ईरानी ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करते हुए उनके चित्र पर माल्यार्पण किया और उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। उसके बाद किसानों, पार्टी कार्यकर्ताओं तथा आम जनता को संबोधित करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी किसानों से झूठ बोलकर उन्हें बरगलाने का काम कर रहे हैं। जब देश में सत्ता कांग्रेस पार्टी की थी, तब अमेठी व देश की जनता पर लाठी चार्ज करवाया जाता था। अमेठी को सम्राट साइकिल फैक्ट्री का सपना दिखाया था और उस जमीन को खुद हड़पा गया। जिला और तहसील की कोर्ट से आदेश निकलता है कि किसान की जमीन लौटाई जाए, लेकिन राहुल गांधी आज तक टस से मस नहीं हुए। आज भी उनका खानदान सम्राट साइकिल की किसानों की जमीन हड़प कर रखा है और देश में भाषण दे रहे हैं। मैं गांधी खानदान को चुनौती देना चाहती हूं कि राहुल गांधी अमेठी के किसानों के बीच में बता दें, उनके राज में किसानों की क्या स्थिति थी। आज अमेठी के किसानों के खातों में पैसा सीधे जा रहा है। आज मैं बता सकती हूं कि अमेठी में 8000 से अधिक किसानों के धान की खरीद हो चुकी है और उनके खातों में पैसा पहुंच चुका है। यह मोदी सरकार ने कर दिखाया। गेहूं खरीद का पैसा अगर किसी ने भी किसानों को दिलवाया है तो मोदी और योगी सरकार ने दिलाया है। स्मृति ईरानी ने जनता से पूछा कि क्या यहां जब कांग्रेस का सांसद था, अमेठी में क्या किसी किसान को साल का 6000 किसान सम्मान निधि के माध्यम से उसके बैंक खाते में किसी प्रधानमंत्री ने भिजवाया? आज तक किसी किसान भाई या बहन के खाते में पैसा नहीं आया, लेकिन जब आपने देश में मोदी को प्रधानमंत्री बनाया तब यह किसान सम्मान निधि मिलनी शुरू हुई। कांग्रेस ने अमेठी में मेडिकल कॉलेज बनाने का सपना दिखाकर जमीन खा गए, लेकिन 40 साल की मेडिकल कॉलेज की मांग को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने पूरा किया। मध्यांचल ब्यूरो राम प्रसाद शुक्ला के साथ अमेठी से जिला संवाददाता ओम प्रकाश सिंह की रिपोर्ट। सालों में पीएम किसान सम्मान योजना के अंतर्गत अमेठी के इतिहास में पहली बार 3,27,000 हमारे किसानों को 6,000 रुपया प्रति क्वार्टर मुहैया, प्रति वर्ष मुहैया कराने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करती हूं। साथ ही मैं उल्लेख करना चाहूंगी कि हमारे प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का संकल्प था कि चुनाव जीतने के बाद त्वरित रूप से वो किसानों का ऋण माफ करेंगे। अमेठी में 40,000 किसानों का 196 करोड़ ऋण माफ करने के लिए योगी जी को भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। आपको मैं बतला दूं, आपने मुझसे राहुल गांधी जी के संदर्भ में प्रश्न किया है जी। राहुल गांधी जी जब अमेठी से सांसद थे तो ऋण के इस चुनौती से लड़ने वाले किसान के पास कोई भी सुविधा उन्होंने उपलब्ध नहीं कराई। राहुल गांधी जब अमेठी के सांसद थे तो खाद की रैक उतरवाने के लिए भी, सांसद ना होते हुए भी, अमेठी का किसान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास जाता था। राहुल गांधी जब अमेठी के सांसद थे तो खाद के लिए किसानों पर लाठी चार्ज उनके आदेश अनुसार कराया जाता था। राहुल गांधी जब अमेठी के सांसद थे तो किसान सम्मान निधि अमेठी में किसी को नहीं मिलती थी। राहुल गांधी जब सांसद थे तो वर्षों से, और मैं ये पूरा रिकॉर्ड देखकर कह रही हूँ, 30 साल से ज़्यादा एक सपना गांधी खानदान ने दिखाया था मेडिकल कॉलेज का, वो पूरा नहीं हुआ। अमेठी में पहली बार कृषि विज्ञान केंद्र तब बना जब मोदी और योगी की सरकार आई। अमेठी में आज जहाँ पर आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वहाँ पर पहली बार सैनिक स्कूल, सेंट्रल स्कूल तक लाने की सुविधा अगर प्राप्त करवाई गई तो नरेंद्र मोदी और योगी जी की सरकार के माध्यम से करवाई गई। देश भर का किसान, अगर किसान की क्या हालत थी राहुल गांधी के राज में, उसका कोई प्रतिबिंब देखना चाहता है, प्रमाण देखना चाहता है, निश्चित रूप से अमेठी आए, जिसमें आज भी राहुल गांधी सम्राट साइकिल के जो किसान हैं उनकी जमीन को जब्त किए बैठे हैं। आदेश होने के बाद भी उस जमीन को खाली करके अमेठी के गरीब किसानों को उनकी जमीन नहीं लौटा रहे हैं।
दीदी दीदी अन्नदाता के सम्मान में भाजपा के कई दिग्गज आज मैदान में हैं, तो ये किसान गोष्ठी की जा रही, किस तरीके का मैसेज जाएगा जिस तरीके का इस मौजूदा समय में हालात बने हुए हैं? आज प्रत्यक्ष रूप से देश के किसानों के सम्मुख नरेंद्र मोदी जी ने देश के विविध प्रांतों से किसानों के साथ चर्चा की। इसमें स्वयं आपने, चाहे किसान अरुणाचल का हो, चाहे धार मध्य प्रदेश का हो, चाहे हरियाणा का हो, आपने देखा कि भले ही किसान छोटी अपनी उसमें खेती करता है, लेकिन उसके संकल्प बड़े हैं, संकल्प नहीं है, और डाइवर्सिफिकेशन वो चाहता है फार्मिंग में, फार्मिंग टेक्नोलॉजी से वो जुड़ना चाहता है। मैं प्राइम न्यूज 24 जिला संवाददाता अमेठी ओम प्रकाश सिंह, आज मैं पहुंचा हूं अमेठी जनपद के सिंहपुर ब्लॉक में, जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा आज प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर किसानों को संबोधित किया गया, जहां पर काफ़ी संख्या में किसान लोग आए। और आज पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा हमारे किसान भाइयों को, 9 करोड़ किसान भाइयों को पीएम सम्मान निधि से सम्मानित किया गया है। आइए मैं आगे किसानों की कुछ राय जानना चाहता हूं। जैसे किसान बिल पास हुआ है, क्या है पूरा मामला, यहाँ के किसान क्या चाहते हैं, किसान बिल का समर्थन करते हैं, क्या करते हैं या विरोध करते हैं, आइए यहाँ के किसानों की हम बात जानते हैं। क्या नाम है दादा? राम कुमार पाठक। राम कुमार जी, आज आप यहाँ आए थे, किस तरीके का जो है आप लोगों को जो है दिशा निर्देश मिला, क्या समस्याएं थी और किस तरीके से संतुष्ट हैं आज? समस्या कुछ नहीं थी, केवल किसानों के हित की बात आई और किसान यहाँ का संतुष्ट है, हम भी संतुष्ट हैं, किसान निधि जो है हमारी भी आ गई है और यहाँ सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लगातार किसानों को लेकर समस्याएं हैं, सरकार जो है प्रयास कर रही है कि किसान आंदोलन खत्म करें, उस आंदोलन को लेकर यहाँ भी जो है प्रधानमंत्री जी का संबोधन हुआ, सांसद जी का हुआ है, किस तरीके से आप लोग जो है देखना चाहेंगे? नहीं नहीं, ये अच्छा है, सरकार कम से कम किसानों की समस्याओं को सुन रही है और किसान आंदोलन के समर्थन में भी कुछ लोग हैं जो, जिसका किसानों से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी प्रयास सरकार कर रही है कि किसी तरह से छठे सते आठवें दौर की वार्ता इसके बाद भी बुलाया गया है। अब आगे क्या होता है किसान समझे, वार्ता अच्छी चल रही है। जी